वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही रैंडम एंड रॉ है। इट्स टोटली अनप्लान्ड ट्रिप, क्योंकि मतलब मेरा ऑफिस वर्क अभी ख़त्म हुआ तो सोचा कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो बस ऐसे ही निकल पड़े हैं। कुछ मतलब प्रिपेयर नहीं किया है और ऐसे ही निकल गए हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, वो एक मंदिर है एक्चुअली, और यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो वो उसका एंट्रेंस है। एंड ड्यू टू कोरोना यहाँ पे अभी कोई पब्लिक नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत ही मतलब होता है क्राउड, क्योंकि बहुत ही फेमस एक मंदिर है मेरे घर के नज़दीक में। तो हम यहाँ पे ऐसे ही मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए आए, क्योंकि मंदिर में हमें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। तो क्योंकि मेरा कज़िन भी आया हुआ है मेरे घर पे, तो हम लोग ऐसे ही निकल पड़े। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउड ही नहीं है, तो बहुत ही मतलब शांति है। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कि कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पे कोई है नहीं। और मैं ज़्यादा बातचीत तो नहीं करूँगी, क्योंकि भले ही क्राउड हो या ना हो, मुझे अपना मास्क पहनना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं अपना माइक भूल गई हूँ घर पे, तो शायद ऑडियो का इशू हो सकता है। बट एनीवेज, आई विल शूट दिस वीडियो। इट्स अ वेरी रॉ एंड अ रैंडम ट्रिप। और इसी के साथ में अगर आपको पता भी चल जाएगा कि यूजुअली मैं एक सेटअप के साथ अपने वीडियोस शूट करती हूँ, तो आज मतलब बहुत ही रॉ एंड नेचुरल वे में आप मुझे देख सकते हो कि हाउ माय स्किन डिसऑर्डर, दिस नेवस ऑफ ओटा एंड दिस एक्ने ऑन। सो या, तो दिस इज़ हाउ आई नेचुरली लुक। और वैसे भी मैं अपने वीडियोस में मेकअप तो करती नहीं हूँ, तो वैसे भी आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसे अगर बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ इस तरीके का स्किन है मेरा। और मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरा मंदिर जो है वो विज़िट करें, मैं आपको पूरा टूर करवाती हूँ। मतलब तो ज़्यादा मास्क मुझे नीचे नहीं पहनना है, तो यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे। तो आगे सामने एक बड़ा सा मंदिर है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स भी थी, लेकिन वो अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो शॉप्स थी, वहाँ पे मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलती थी, और वो बहुत ही रॉ एंड नेचुरल थी, कोई केमिकल्स नहीं होते थे, तो हम यूजुअली यहाँ से ही परचेज़ करते थे। तो लेकिन अभी कोई शॉप्स नहीं है यहाँ पे ड्यू टू कोविड। तो एनीवेज, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मुल्तानी मिट्टी के लिए तो नहीं आए थे यहाँ पे फ़िलहाल। तो आपने एंट्रेंस देख लिया, और यहाँ से मैं आगे जा रही हूँ। और अभी मैं आपको यहाँ पे बड़ा सा मंदिर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो पीछे, मेरी मम्मी, मेरी नानी और मेरे कज़िन है। दिस इज हाउ इट लुक्स। हमने ये वाला मंदिर देख लिया। अभी एग्जैक्ट उसके सामने ये वाला मंदिर है, तो हम वहाँ चलते हैं। एक और चीज़ में बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी नहीं है। वो वहाँ पे सामने मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे जो मेरी फिंगर जा रही है, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था। अनफॉर्चुनेटली था नहीं क्यों वो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही क्यूट सा मतलब मंदिर था, तो आई डोंट नो कि वो अभी क्यों नहीं है। बट एनीवेज, हम लोग ये जो सामने वाला एक मंदिर है वहाँ पे चलते हैं। तो लेट्स गो। ओके, जैसे ही हम एंटर करते हैं, बहुत ही मतलब
बड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं। पहले यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं थे, मतलब मिट्टी ही थी। काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम यहाँ पे 3-4 साल के बाद यहाँ आए हैं, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ नेचर की चेंज तो होना ही पड़ता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है और एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे ना रिवर है एक, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि लोग मतलब अनफॉर्चुनेटली पानी के पानी की वेव्स में आ जाते हैं एंड यू नो। बट यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी आप देख सकते हो और यस अगेन अनदर टेम्पल। एंड यहाँ पे बहुत 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 ही शांति है, लाइक मेडिटेशन की भी मतलब मेडिटेशन के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। एक क्विक रिफ्रेशमेंट चाहिए हो तो आप कोई से भी मंदिर में जाओ और थोड़ी देर बैठो बस। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर बहुत ही लो फील करते हैं तो कोई से भी मंदिर में जाओ, बैठो, कुछ ना बोलो, बस बैठो शांति से। जो वाइब्स आती है ना टेम्पल्स के अंदर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन मंदिर के अंदर जो वाइब्स आती है ना बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। और क्योंकि यहाँ पे शाम हो गई है तो मेरी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो रही है, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी कंटेंट क्वालिटी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे एकदम बहुत ही पीछे आ चुके हैं हम लोग और दिस इज अनदर टेम्पल और ये भी एक अलग मंदिर है। तो यहाँ से अब हम नहीं उधर चलते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि मंदिर में आने से पहले मास्क पहने। एंड हियर इज माय कजिन अंकित, हाय। ओके, वॉक। पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ, हाथ थोड़ा वीडियो शूट करने में हाथ बड़े ही मतलब दुखने लगे हैं मुझे। आई डोंट नो आगे कैसे होगा। हैट्स ऑफ टू ऑल दी फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स जो वीडियो शूट करते हैं। अगेन यहाँ पे एक फार्म जैसा कुछ है, यहाँ पे सी यहाँ पे एक खेत है, अनदर टेम्पल। और मुझे ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ना मैं कहीं पे गई ही नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, लॉकडाउन के बाद मैं कहीं गई ही नहीं हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एक बहुत ही क्विक रिफ्रेशमेंट। सो प्लीज़ लेट मी नो कि इतनी ग्रीनरी और इतना शांति वाला एटमॉस्फेयर देखकर आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने कैसे किया। आई एम श्योर इतना अच्छा नहीं किया होगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन इट हैपन्स। तो आई एम डेफिनेटली अपलोड दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने फ्राइडे को शूट किया है, लेकिन अभी आज फ्राइडे को मैंने शूट किया है, सैटरडे कल है। मेरी यूजली वीडियोज़ फ्राइडे और सैटरडे में आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज घर पे जाके फटाफट इसको एडिट कर दूँगी और अपलोड कर दूँगी। तो
यस जस्ट एंजॉय द व्यू.